आज आपका सेकंड डिवीजन क्लास है। सेकंड डिवीजन क्लास में हम हिंदी को रिवाइज करने जा रहे हैं। सेकंड डे आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है। हिंदी में दो पुस्तकें हैं, एक का नाम है भाषा माधुरी पुस्तक और दूसरे का नाम है भाषा अभ्यास। तो अभी हम पहले भाषा माधुरी के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस लेसन से कहाँ तक आएगा। इसमें पाठ एक से पाठ नौ तक आएगा। पाठ एक है राजा बेटा, पाठ दो है अमन, पाठ तीन है समझदार अजय, पाठ चार है रविवार का दिन, पाठ पाँच है दीपावली आई, पाठ छः है गुड़िया की शादी, पाठ सात है शाम हुई, पाठ आठ है जादूगर का जादू और पाठ नौ है मेला। तो यहाँ तक आपको इस विषय में निपुण होना जरूरी है। आप ध्यान से पढ़ेंगे इतना पाठ को और परीक्षा की मन लगा करके तैयारी करेंगे और देंगे। अब हम लोग देखते हैं कविता पाठ वन का राजा बेटा। इसमें कहा गया था कि राजा बेटा कविता याद करने के लिए, मुझे उम्मीद है सब बच्चों को याद होगा, बहुत लोग वीडियो बना के भेजे थे, सुबह सवेरे जल्दी उठना, ये एक पंक्ति दिया हुआ है, ये इस तरह से आ सकता है, खाली जगहों को भरो। तो उसमें सुबह सवेरे डैश उठना ऐसे लिखा रहेगा और चार ऑप्शन दिया रहेगा। वो चार ऑप्शन में कोई एक सही होगा, जो सही होगा उसको आपको चुनना है और टिक लगाना है। सुबह सवेरे डैश उठना, अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी को चूज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो बच्चों इस तरह से ये पार्ट एक आप लोग को आ सकता है। अब पार्ट दो देखिए, अमन। इसमें दो तीन और चार अक्षर वाले शब्द जानना है कि दो अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं, तीन अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं, चार अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, जैसे अमन डैश मत बन, हाँ तो उसमें फिर आपको चूज करना है कि अमन क्या नहीं बनेगा। उसमें भी चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जो आपको बिल्कुल करेक्ट लगे उसको चूज कीजिएगा। इसके लिए ये पाठ अच्छा से पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है और आपको ये आना चाहिए कि दो अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं, तीन अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं और चार अक्षर वाले शब्द किसे कहते हैं। अब हम लोग उसके बाद वाला पाठ देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा वाले शब्द बच्चों आप लोग जानते ही हैं, करना मरना झरना डरना भरना। इस तरह से इस पेज को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। पार्ट तीन है समझदार अजय। इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम लोग बनाए थे, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। ये तीन प्रश्न इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जिस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ये नीचे वाला नहीं आएगा। तीन पाठ में शरीर के जिन अंगों का नाम आए हैं उनकी एक सूची बनाइए, ये नहीं आएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये तो बच्चे आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, जब ये पेज पढ़िएगा तो इसमें आपको छोटी ई की मात्रा वाले बहुत सारे शब्द फिर से ताज़ा हो जाएंगे जो आप पढ़ चुके हैं। और तो ये पाठ चार है रविवार का दिन। इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें जैसा प्रश्न दिया हुआ है इसी तरह से आएगा, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी आप जो देखे सेकंड में क स्तंभ में दिए गए अधूरे वाक्यों को ख स्तंभ के वाक्यों से मिलाते हुए पूरे कीजिए, ये भी
थोड़ा सा चेंज रहेगा ढंग, और ये भी आ सकता है। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दीर्घ की मात्रा वाले शब्द आपको पेज 9 में पढ़ना है। और अब इसके बाद देखते हैं कौन पाठ है, पाठ 5 दीपावली आई। दीपावली आई में हम लोग देखे थे कि नानी आई थी। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये पेज 11 में देखते हैं। का नानी कौन से रंग की साड़ी पहनकर आई। यहाँ नानी है, नानी पीली रंग की साड़ी पहनकर आई थी। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दीपावली पर आप जो जो करते हो उनके लिए हाँ या नहीं बताइए। तो 2 और 3 नहीं आएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द, हर्षु की मात्रा वाले शब्द। इसमें इन सब शब्दों को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप के लिए पेज 13 छठा पार्ट गुड़िया की शादी, ये आसान हो जाएगा। ये सारा लेसन आपको याद आ जाएगा, इसमें क्या क्या हुआ था। जो पेज 14 में आप गुड़िया की शादी चैप्टर से प्रश्न उत्तर याद कर लीजिएगा, और इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, देने का ढंग बदला हुआ होगा, इसलिए आपको पाठ पीछे से ही ज्यादा आएगा, लेकिन जिस तरह से बुक में दिया हुआ एकदम वैसे नहीं आएगा, उसका देने का ढंग चेंज रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज 15। पेज 15 में कविता है शाम हुई, ये 6 पंक्ति की कविता है। इसमें से भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली जगहों को भरो। अब मत खेलो आंख मिचौली, तो ये अब मत खेलो डैश मिचौली। डैश में क्या भरेंगे, ये 4 ऑप्शन आएंगे, एक करेक्ट रहेगा, वो आपको चूज करना है, और उसके बाद अगला प्रश्न देखना है क्या आया है। अब मैं अगला पेज देख रही हूँ, 16। 16 में दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द है, ये आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद पाठ 8 में जादूगर का जादू है। जादूगर का जादू थोड़ा हार्ड है, इसके स्पेलिंग्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसमें आप देखेंगे इस लेसन के पीछे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, जिस तरह का क्वेश्चन है इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपका पाठ थोड़ा भारी हो रहा है। ये खाली जगहों को भरो, ये भी आ सकता है, लेकिन देने का ढंग थोड़ा बदला रहेगा, और ये 3rd और 4th ये नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज 19 में जाते हैं। यहाँ ए मात्रा वाले शब्द है, ए मात्रा वाले शब्द याद रखना जरूरी है। यहाँ से ए की मात्रा सबको जल्दी याद हो जाता है, आपको भी ये याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है मेला, पाठ 9 मेला। आप लोग भी अभी दशहरा का मेला घूमे होंगे छुट्टियों में, जब आपको छुट्टी मिली हुई थी, और बहुत सारे मिठाइयाँ खाए होंगे। मेला में किस तरह का आएगा, मेला में जैसा पेज 21 में दिया हुआ है उसी तरह का आएगा। रमेश और रेखा किसके घर गए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और इसमें वही 4 ऑप्शन दिए होंगे, और एक को चूज करना होगा। दूसरा, सही कथन पर सही का निशान लगाइए, भी आ सकता है। और तीसरा, खाली जगहों को भरो। ये खाली जगहों को भरो जो है, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके जगह पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और आपको करेक्ट चुनना होगा। समझ में आ गया बच्चों। इस बुक से यहीं तक आ रहा है पेज नंबर 21 तक। इस बुक को ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे बुक तक चलते हैं, जो कि है भाषा अभ्यास। बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं भाषा अभ्यास पुस्तक।
इसमें से ये रिवाइज करना है स्वर व्यंजन, और चैप्टर 1 अमन से लेकर के चैप्टर 7 मेला तक आएगा। आप लोग इसके पहले जो भाषा माधुरी है उसमें लेसन पढ़ लिए, उसी के तरह का खाली जगहों को भरो, सही गलत समान ले वाले शब्द, इस तरह के चीज इसमें दिए हुए हैं और उस तरह का आप लोग को आना चाहिए और आता भी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेज 1 में देखते हैं क्या है। पेज 1 स्वर, स्वर मतलब जो अपने से उच्चारण किया जा सके। स्वर में हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, दूसरे वर्णों पर निर्भर नहीं रहते, जो अपने आप में स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं। दोहराइए और लोग को अ से अंग तक याद होना चाहिए कि ये किसी भी तरह से आ सकता हो, और साथ में री का भी ज्ञान होना चाहिए, री कैसे लिखते हैं और कहाँ पर यूज होता है। अब हम लोग पेज 2 देखते हैं। पेज 2 में व्यंजन है। व्यंजन मीन्स क से ज्ञ तक, ये आप लोग भरे हैं और हमारी हिंदी व्यंजन के बिना अधूरी है। स्वर और व्यंजन के मिलने से ही सब वर्ण और शब्द बने हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं 3 अमन, ये अभ्यास 1 है। अभ्यास 1 में इस मिलाने वाला है, ये एग्जाम में आ सकता है, देने का ढंग दूसरा रहेगा। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ चित्र दिया हुआ रहेगा और आपको उसका नाम लिखना रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको चूज करके लिखना है। उसी तरह पेज 5 भी है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है अभ्यास 2 समझदार अजय। समझदार अजय ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से भी कोई आ सकता है, आपको सबका नाम याद होना चाहिए। पेज 7, पेज 7 में बाई और दिया गया शब्द पढ़िए, ये शब्द को पढ़ना है और एकदम सेम जो इस तरह एकदम मिलता है उसी को सर्कल करना है। यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन दूसरे तरह में आ सकता है। अब तीसरा गोले में दिए वर्ण में आ मात्रा लगाकर खाली जगह, ये नहीं आएगा, जो देने में आसान हो वही आएगा, ये आ सकता है। ये पेज 8, ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, चित्र देखकर उसके नाम पर गोला लगाइए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में गोला लगाना है, ठीक उसी तरह यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्या है ये तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, तो यहाँ पर गोला लगाना है इस तरह से, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को टिक करना रहेगा। अब हम लोग पेज 9 में जाते हैं। समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द कैसे लिखेंगे, ये आपको याद है, जैसे ताला दिया हुआ है तो यहाँ माला और यहाँ काला, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में ताला दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो उसका करेक्ट समान लय वाले शब्द होंगे उसको आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ 6 सही वर्ण पर आ मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, ये नहीं आएगा। अब हम लोग पेज 10 की तरफ मुड़ रहे हैं। ये देना भी हार्ड है एग्जाम में, ऐसा नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मुड़ते हैं। रविवार का दिन, ये तो पिक्चर बेस्ड है, इस तरह का आ सकता है, इसका नाम याद होना जरूरी है। यहाँ हेल्प बॉक्स से स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए, ये आ सकता है, आप लोगों को पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज 13, ये 13
ये नहीं आएगा। पेज 14 देखते हैं क्या है। पेज 14 में समान ले वाले शब्द हैं, इस तरह का आ रहा है, ये थोड़े दूसरे ढंग से दे करके ये प्रश्न आएगा और ये नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, सेवेंथ, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखिए। ये जो शब्द है, जैसे यहाँ लाई तिनका चिड़िया, चिड़िया तिनका लाई, इस तरह से इसको सजाना है। लेकिन ये भी लंबा सेंटेंस, इसको देना भी मुश्किल है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एकदम एक्यूरेट यही नहीं आएगा। दीपावली ये पिक्चर बेस्ड है, इसलिए ये आ सकता है। नेक्स्ट पेज, रेखा खींचकर जोड़े लगाइए, इस तरह का आ सकता है। रेखा खींचना नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को चित्र का नाम जानना जरूरी है। उसके बाद थर्ड, उदाहरण के अनुसार घेरा लगाइए। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, उसके अनुसार घेरा लगाइए। ये थोड़ा मुश्किल है देना, ये नहीं आएगा। फोर्थ है, दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही, ये नहीं आएगा। फिफ्थ है, छोटी बड़ी मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। इस तरह का आ सकता है, देने का ढंग बदला हुआ रहेगा। और ये लिंग, छठा जो है, उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। यहाँ चाचा चाची मामा मामी, ये थोड़ा दूसरे ढंग से आ सकता है। लिंग पढ़ाए थे, उसको याद रखिएगा। समझ कर पूरा कीजिए, ये इस तरह का आ सकता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पेज 20, गुड़िया की शादी व सामूहिक अभ्यास 5। ये पिक्चर बेस्ड है, ये आएगा। ये आपको सबका स्पेलिंग याद रखना है और नाम भी याद रखना है। ये पेज 21, टू, सही वर्ण पर उ मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। ये नहीं आएगा। ये तुक से तुक मिलाइए, इस तरह का आ सकता है, लेकिन जिस तरह एमसीक्यू में आता है उस तरह से आएगा। ये आ सकता है बच्चों, ये पेज तो बहुत आसानी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये पेज 23 नहीं आएगा। पेज 24 इस तरह का आ सकता है। ये जो सिक्स्थ वाला है, नीचे दिए गए उदाहरण को समझ कर नया शब्द लिखिए, इस तरह का आ सकता है। तो आगे देखते हैं, अभ्यास 6, जादूगर का जादू। जादूगर का जादू, ये दीर्घ की मात्रा वाले शब्द हैं। यहाँ पर छोटी उंगली पढ़ना और बड़ी उंगली पढ़ना है। ये दिया रहेगा पिक्चर और उसका नाम लिखना रहेगा, इस तरह का आ सकता है, इसलिए इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। चित्र देखकर उसके नाम पर घेरा लगाइए। यहाँ तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, चित्र देकर आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा। चार ऑप्शन में कोई एक पर चूज करना होगा, क्योंकि वो करेक्ट रहेगा। इस तरह से आप लोग पेज 26 देख लीजिएगा। अब पेज 27, थर्ड, वाक्यों को पढ़कर उन्हें सही चित्र के नीचे लिखिए। आप लोगों को चित्र याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, 28। इसमें जिस तरह का दिया हुआ है उस तरह का नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को छोटी उ और बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द याद रखना जरूरी है। इसी तरह का पेज 29 में भी है। पेज 29 में है जैसा, उस ढंग का जानकारी होना है। एक आ सकता है इस तरह का। उसके बाद ये तो आप लोग को जानना है, र में छोटी उ कैसे लगाते हैं और र में बड़ी उ कैसे लगाते हैं। ये आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है और हमेशा के लिए याद भी रखना है।
और उसके बाद नेक्स्ट है पेज 31। पेज 31 में क्या है, ये है अनार में से फूटे अधूरे शब्दों को जोड़कर पूरा शब्द बनाइए। ये अनार में से शब्द फूट चुके हैं और आपको अधूरे शब्द को पूरा करना है। इस तरह का नहीं आएगा, वो MCQ करके जो क्वेश्चन बन सकता है उस तरह बना करके आएगा। ये मेला, मेला ये पिक्चर बेस्ड है, ये आ सकता है, इसके देने के ढंग में थोड़ा चेंज रहेगा। और उसके बाद 2 ए मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। एकदम बिल्कुल यही नहीं रहेगा, इससे थोड़ा चेंज ढंग रहेगा और आ सकता है। तो ये नहीं आएगा, ये पढ़ लीजिएगा पेज 35, ये आ सकता है। इसमें वचन है व्याकरण का, एक वचन को बहुवचन बनाना है। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए। पेज 36 में क्या है, छठा खाली जगह में आया आई व आए सब चुनकर लिखिए, ये नहीं आएगा। और 7 इस तरह का आ सकता है। तो आप मेला तक जरूर पढ़ लेंगे, 36 तक आएगा। आप लोग के पोर्शन में 32 तक लिखा हुआ है, लेकिन 32 मीन्स पूरा मेला चैप्टर। पेज 36 तक मेला चैप्टर खत्म हो रहा है भाषा अभ्यास में, इसलिए भाषा अभ्यास में आप पेज 36 तक पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।